सब्सक्राइब करें रोहित टेक टॉक को और आने वाले वीडियो के लिए आप बेल आइकन को बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको अक्सर मिलते रहे। तो चलिए अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में यूज़र कैसे बनाते हैं उसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल पैनल में जाना है। यही देखिए कंट्रोल पैनल यहाँ दिखाई दे रहा है, अगर आप सर्च भी करेंगे तो यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। जैसे ये आएगा इसे आपको ओपन करना है। जैसे अब इसे ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आपके सामने नया पेज खुलेगा। यहाँ पे देखेंगे यूज़र अकाउंट करके एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आपको इसे फुल कर लीजिए। यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, यूज़र अकाउंट पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप इस पर जाएंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा, पहले से एक यूज़र बना हुआ वो यहाँ दिखाई दे रहा है, आपको दूसरा यूज़र बनाना है इस तरह का, तो आपको यहाँ पर मैनेज पर आपको जाना है। यहाँ मैनेज अकाउंट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आप चाहते हैं अपना नाम, जो भी नाम से आप क्रिएट करना चाहते हैं वो यहाँ पे नाम डालेंगे। अगर आप दो ऑप्शन मिलते हैं, अगर आपका एडमिन करना है तो एडमिन कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप सिंपली यूज़ करना चाहते हैं अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर पर तो आप यूज़र यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चॉइस कर सकते हैं। यहाँ पर चलिए हम नाम डाल देते हैं यूज़र का और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करते हैं। जैसे क्रिएट अकाउंट करेंगे तो ये आपका देख सकते हैं यहाँ पे यूज़र बन गया है, तो ये क्रिएट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं इसमें इसका नाम चेंज करना तो नाम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहते हैं इसका पासवर्ड क्रिएट करना यानी नया पासवर्ड बनाना चाहते हैं, लॉक रखना चाहते हैं, तो आप नया पासवर्ड यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं ताकि कोई भी आपके बिना परमिशन के ओपन ना कर पाए, तो यहाँ से आप अपना पासवर्ड भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। और यहाँ पे देखिए पिक्चर यानी जो पिक्चर इसमें शो कर रहा है उसे भी आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ब्राउज़र पर जाके अपना खुद का भी पिक्चर लगा सकते हैं, उसका सेटअप पर जा सकते हैं। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स दिखाई देंगी कि किसका किसका पासवर्ड लॉक है, क्या है नहीं है, सब कुछ यहाँ पे बताएगा। ठीक है, उसके बाद बैक करें तो फिर आपको हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे ज़्यादा बैक हो गया है, फिर से हम मैनेज पे जाएंगे, मैनेज 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 पे हम लोग जाएंगे। यहाँ पे देखिए हम इस पे गए, उसके बाद फिर यहाँ पे गए और फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डिलीट, अगर आप चाहते हैं कि इस यूज़र को डिलीट करना, परमानेंटली क्लोज करना, हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। चलिए हम आपको इसको डिलीट कर देते हैं। मैंने इसे आपको बताने के लिए ये बताया था कि यूज़र कैसे बनाते हैं, उसका पासवर्ड कैसे जनरेट करते हैं, यानी सारा कुछ आपको मैंने बता दिया है कि अपने लैपटॉप या यूज़र अपने सिस्टम में यूज़र कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये पहले से ही यूज़र रहेगा, ये शो नहीं करता, लेकिन आपको यहाँ से नया क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको उम्मीद करते हैं जानकारी समझ में आ गई होगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।